हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट वीडियोस में तीन मेथड कंप्लीट किए थे नेशनल इनकम को कंप्लीट करने के लिए, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं, जाके आप एक बार उनको देख सकते हो। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से हम उन्हीं मेथड्स को नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला मेथड हमने जो सीखा था वहां पे, वो था इनकम मेथड। इनकम मेथड हमारा जो एग्रीगेट आइडेंटिफिकेशन है इसकी, वो है NDPFC। अभी आप इस चीज को साथ साथ नोट करते जाइए, राइट। एक नोटबुक पेन लेके बैठिए और साथ साथ ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड की आइडेंटिफिकेशन GDPMP। और तीसरा मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का आइडेंटिफिकेशन है GVAMP। अब इन आइडेंटिफिकेशंस को, इन मेथड से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, जी हाँ, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अब हम फाइंड आउट करेंगे तीनों मेथड से, राइट। तो नेशनल इनकम की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप सभी को मैंने बताया था शायद, आइडेंटिफिकेशन होती है इन सभी मेथड्स की, जिनकी मैं डेफिनेशंस तो अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मैं इनका फुल फॉर्म बताऊंगा क्या है, NNPFC। यहां देख लेते हैं NDPFC, GDPMP, GVAMP। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए एक बार मैं इजी कर देता हूं, इसको फुल फॉर्म बता देता हूं इसका, राइट। तो यहां पे NDPFC का फुल फॉर्म, डेफिनेशन मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, बट अभी आप इसको फुल फॉर्म समझिए इसका क्या है, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लिख लो साथ साथ ताकि आपको ये रिमाइंड रहे और आपके नॉलेज में रहे, ताकि आपको इजी हो जाए आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्या है, GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। अब क्या है, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इन तीनों मेथड से हम क्या निकालने वाले हैं, नेशनल इनकम निकालने वाले हैं, राइट। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ना किसी एक मेथड से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, तो अब बच्चे में कंफ्यूज आते हैं कि मेथड हमारा कुछ और है, निकालना हमें कुछ और है, इसको कैसे करें। तो कैसे करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, सीखते हैं कन्वर्ट करना, राइट। तो तीनों मेथड को हम कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम की आइडेंटिफिकेशन NNPFC, फुल फॉर्म बता रहा हूं अभी, ध्यान रखना, एन मीन्स नेट, दूसरी बार जो एन आया नेशनल, पी मतलब प्रोडक्ट, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। आप साथ साथ इसको नोट डाउन करो ताकि आपका थोड़ा इजी हो जाए और आप इसको इजीली कर सको, आगे क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट ना लगे। चलो इसको मिटा देते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीखने से पहले, कन्वर्जन सीखने से पहले, बहुत ही एक बेसिक कीज, ये की है बेसिक कीज, इनको हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है तो बेसिक कीज फटाफट से आप लिखिए फटाफट। पहला बेसिक की है, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिशिएशन। अब ये फॉर्मूला आप एज इट इज याद कीजिए, आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोस में इनकी एक्सप्लेनेशन मैं जरूर करूंगा, अभी आप इसको एज इट इज याद करो, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिशिएशन, राइट। और यहां पे लिख सकते हैं नेट कैसे निकल सकता है, नेट को अगर निकालना हो तो ग्रॉस में से आप डेप्रिशिएशन माइनस कर लो। जिनके पास मैथ्स है उनके लिए तो बहुत इजिली समझ आ जाएगा उनको, जिनके पास नहीं है उन लोगों ने टेंथ तक तो पढ़ ही रखा है ये सब, अगर हम इधर उधर करते हैं चीजों को तो कैसे प्लस माइनस की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा मेरा क्या बचेगा, सिंगल नेट बचेगा, राइट। तो ये पहली बेसिक की है, हमारे पास चार की है, ध्यान रखना, चार की से लॉक खुलेगा, तो लॉक कैसे खुलेगा, उसके लिए की चाहिए, की को समझना पड़ेगा, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन और नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, राइट, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फटाफट से नोट डाउन कर लो, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस को हम लोग डिनोट कर रहे थे एमपी, पीछे पढ़ा था ना अभी हमने, दो सेकंड पीछे करके देख लो वीडियोस को, वहां लिखा था एमपी एफसी, तो यही है वो एमपी और एफसी, ये एमपी है, ये एफसी है, प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी याद कर लो एज इट इज, पूरा एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में, अभी आप इसको एज इट इज याद करना है आपको, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ शुरू से एक बार देख लो, पहली चाबी जो है वो क्या है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट कैसे निकलता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरी चाबी, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT,
टी, ठीक है, एज इट इज रख लो इसको, अभी याद करेंगे हम इस चीजों को। अगर आपको एफ सी निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल है सर, एमपी में से एनआईटी माइनस कर दोगे, एमपी में से एनआईटी माइनस कर दोगे, ठीक है। तो फटाफट उतार लिया आपने इसको, गुड, दो चाबी मिल चुकी है, एक और चाबी बची हुई है हमारे पास, सॉरी दो चाबी और है, तीसरी चाबी क्या है सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की चाबी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अभी इसको ऐसे ही उतार लो, इसकी थ्योरी पे मत जाना, मैं आने वाली वीडियोस में इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप इसको एज अ की एज अ रिमेंबर याद कर रहे हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो फटाफट से सॉल्व हो जाए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये तीसरी चाबी थी। तो यहाँ पे चौथी चाबी जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चाबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनफीफा, ठीक है। तो नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनफीफा, इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, रुको, ठीक है, एनफीफा क्या होता है। अभी चार चाबी मिल चुकी है हमको, एक बार फिर से याद कर लो, चार चाबी कौन सी है, पहली चाबी थी ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, दूसरी चाबी कौन सी थी, MP is equals to FC plus NIT, तीसरी चाबी कौन सी है, NIT, net indirect tax is equals to indirect tax minus subsidies, चौथी चाबी कौन सी है आपके पास, national is equals to domestic plus NFIFA, NFIFA, okay, तो NFIFA को भी explain करता हूं, ये चौथी चाबी का ही पार्ट है। इन चाबियों को समझना बहुत जरूरी है, जब ही कन्वर्जन कर पाओगे, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, जो इसको नहीं समझ पाया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो आगे लॉक खोल ही नहीं पाएगा, तो लॉक खोलने के लिए चाबी इंपॉर्टेंट, चाबी इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे NFIFA, NFIFA, पहले आपको बता दूं ये क्या है, इसका फुल फॉर्म बता दूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर से देख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आता है, NFIFA, ये आता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम में से टू को माइनस कर देना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू को माइनस कर देना, आपका आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये है NFIFA, ठीक है। अभी इसको मैं बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे जाके ना इनकी वाइड थ्योरीज है इनकी, ठीक है, तो बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप शॉर्ट में इतना समझिए, चार चाबी जरूरी है कन्वर्जन करने के लिए, राइट। आई होप आप सभी को आज का पढ़ाया हुआ लेसन बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर कोई भी आपको डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट byacademy.in पर भी आप विजिट कर सकते हो, जिसपे हम वेरियस कोर्सेज के कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं और आप भी इससे जुड़े रहोगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी सेम नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।